यज्ञ में यहाँ पर उपस्थित महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर इमरान साहब, पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी फजल जी और महासचिव गुप्ता जी, और यहाँ पर सभी हमारे करुणेश भाई, रणवीर भाई, सगीर भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, हम लोग शुद्धि बुद्धि यज्ञ सिर्फ इसलिए करने आए हैं क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो पिछले 40 दिनों तक कुछ उनके कान में सुन नहीं रह रही है, किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं। तो हम हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने से न सही मेरे सीने से ही सही, हो गई भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। और आप लोग बधाई के पात्र कि आज आप लोग यज्ञ के माध्यम से आग ही चलाने यहाँ पर बैठे। और ये सच बात है कि देश का किसान बहुत परेशान है, और जितने किसान संगठन के लोग देश की राजधानी की सरहद पर बैठे हैं वो ये बात कहते हैं कि जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको राशन की दुकानों से राशन दिया जाता है, कोरोना काल में एक एक किलो फ्री चना दे दिया गया था, वो अभी गलत फहमी में है। आप लोगों को जाकर बताना चाहिए उनसे कि भाई जब देश पर इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति, इतना बड़ा एक कोरोना नामक महामारी आई है, ऐसे समय में लोगों को घरों में जो राशन दिया जाता था वो सही मायने में जो एफसीआई की गोदामों में राशन इकट्ठा था, जो किसान पैदा करता था वही दिया गया। और ये जो कानून लाया गया है, इस कानून से ये क्या करेंगे कि ये कारपोरेट मंडियां जो हमारी सरकारी मंडियां हैं उनके पैरेलल एक, उनके समानांतर एक कारपोरेट मंडियां तैयार की जाएंगी, और एक बार वो किसानों को लुभाने के लिए उनकी फसलों को सरकारी जो मूल्य होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे और लोग मजबूरी में उनको दे देंगे अपनी फसलें, उसके बाद वो रेट कम कर देंगे जब मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो एक तरीके से किसानों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। हमें खुशी यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तमाम हमारे नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कानपुर शहर में भी तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, नजर बंद हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जेल भी गए। तो उसी कड़ी में आज ये जो है, जब किसानों से मैं समझता हूँ सातवीं आठवीं बार वार्ता करने जा रहे हैं सरकार के लोग, तो हो सकता है यहाँ से कोई बाबा आनंदेश्वर जी भी है और यहाँ यज्ञ भी होगा, हो सकता है कुछ उन लोगों को सदबुद्धि मिल जाए और वो किसान की मांग ले। अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग आज भी किसान के साथ हैं और आगे भी किसान के साथ रहेंगे। आज मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सभी को बहुत बधाई देते हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए कि आप लोगों ने ऐसा एक कार्यक्रम तय किया, और निश्चित रूप से सदबुद्धि मिले, हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं और किसानों को सुनी जानी चाहिए, हम लोग निरंतर किसान के साथ रहेंगे। धन्यवाद।